As 2014 elections approach, it is clearly becoming Modi versus Rahul Gandhi. Remember, Narendra Modi kicked off BJP's election campaign in poll-bound Rajasthan yesterday. Rahul Gandhi is in Udaipur today. Addressing a rally, Rahul Gandhi listed out his party's achievements, specifically highlighting the food security bill. Let's listen in. अब आप देखिए, ओडिशा में न्यामगिरी पहाड़ था, उस पहाड़ की पूजा करते थे आदिवासी लोग। बड़े उद्योगपति ने वहां जाकर कानून को नहीं देखा, बीजेपी और बीजेडी की सरकार थी, कानून को नहीं देखा, सीधा जमीन हड़प ली। हम गए आपकी लड़ाई लड़े, आपकी जमीन है, कम से कम अगर आपकी जमीन है तो आपसे पूछना चाहिए, भैया आप क्या सोचते हो इसके बारे में, सही बात है गलत बात, पूछना तो चाहिए ना। कोई बड़ा आदमी होता है जब उसके उससे कोई घर लेता है, खरीदता है, तो उससे जाके पूछता है, भैया मैं आपका घर लेना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं, ले सकता हूं। इसलिए हमने जमीनी अधिकरण बिल पास किया कि जो आदिवासी की जमीन है, जो आम आदमी की जमीन है, उसका हक उसे मिले। इसलिए हम ट्राइबल बिल लाए, इसलिए हमने यहां 30,000 पट्टे बांटे। हम आपका हक आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब आपको अपना हक मिलेगा तो इस देश को शक्ति मिलेगी और यह देश आगे बढ़ेगा। हम यहां किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, जितनी भी गाली देनी हो, जितना भी आक्रमण करना हो, हमारे विपक्ष के लोग कर सकते हैं, करो, मजे लो, गाली दो, मगर जो गुस्सा है वो आपका है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपका तोहफा नहीं लेंगे। सीधी बात, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सपने इस देश के सपने हैं। ये जो जनता आई है, ये जो महिलाएं आई हैं, दूर दूर से आई हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारे अपने जो सपने हैं, मेरे अपने जो सपने हैं, उनको मैं कुचलना चाहता हूं, आपके जो सपने हैं उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं।